ये आज वहां कश्मीर में जाने से पहले ये आदमी जो है आज दिल्ली रेलवे स्टेशन पे चला गया ट्रैक मैनों से मिलने। वो ट्रैक मैन कौन होते हैं जरा दर्शक समझ लें, आपको नहीं समझ में आएगा। इसको बड़ा जो गा रहे हैं ये, तो इसकी जरा गहरी साजिश समझिए कि हम लोगों ने मनी जी कल ही परसों जब कार्यक्रम किया था तो ये बताया था कि रेल मंत्री ये बता चुके हैं कि 334 दुर्घटनाएं हमने टाली हैं जो रेल पलटाने के लिए हुई थी, जिसमें रेल के ऊपर कहीं ईटा रख दिया गया, कहीं सिलेंडर रख दिया गया, कहीं रेलवे का लकड़ी का लट्ठा रख दिया गया, कहीं सीमेंट का बोल्डर रख दिया गया, कहीं लोहे का गार्डर रख दिया गया। इस तरह के कुकर्म करके वहां पर रेल पलटाने की कोशिश की गई थी, और उस सारे षड्यंत्र को अगर निष्फल किसी ने किया, वो जो 334 प्रयास जो निष्फल हुए उसमें सबसे बड़ी भूमिका मनीष जी ट्रैक मैन की थी। जो जो हमने हमने मनीष जी दिन आपसे जिक्र भी किया था कि वो ट्राली लेके चलते हैं कोई भी ट्रेन आने से पहले, और 8-8 किलोमीटर का उनका होता है वो, उसके बाद वो पूरा चेक करके बताते हैं यहाँ लाइन ठीक है या लाइन क्लियर है। और उस व्यवस्था की वजह से हमारी ये ट्रेन जो दुर्घटनाएं रुकी थी, आज मनीष जी जब इसने देखा कि 334 तो 5 साल में नहीं हो पाई, और अभी हम लोगों ने जो जिक्र किया था तो अगस्त में 7-8 दुर्घटनाएं कैसे रोकी गई हैं वो भी सामने है, वो तो बिल्कुल अखबारों में छपी है, टेलीविजन पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है। तो ये आदमी जिसने ये धमकी दी थी अप्रैल 2024 को कि हम नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो देश में आग लग जाएगी, और आग लगाने का प्रयास कैसे हो रहा था ये पकड़े गए जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि रेलगाड़ी पलटाने की बात हो रही है, और तीन तीन गाड़ियां पलट भी चुकी, तीन का तीन एक्सीडेंट तो हम लोग नहीं रोक पाई से रेल। और उसमें क्योंकि इसने देखा कि ये यही आदमी ऐसे हैं जिनको ट्रैक मैन कहती है रेलवे, इन्हीं की वजह से रेल दुर्घटनाएं नहीं हो पा रही हैं, इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तो आज ये उनके पास पहुंच गया। मनीष जी मैंने डाला है जरा वीडियो, वो भी दिखा दीजिए, उसके बाद फिर इस पे आते हैं मनीष जी। वो जो ये वीडियो जरा दर्शक देख लें कि आज ये उनको कैसे भड़काने पहुंचा था। इसका तो वीडियो बड़ा लंबा है लेकिन मैंने, नहीं नहीं ऊपर होगा मनीष जी, ऊपर होगा वो ऊपर है मेरे ख्याल से। और उनको ये किस तरह से भड़का रहा है और किस तरह से उनके अंदर जात का जहर फैला रहा है ये दर्शक अपने आप समझेंगे उन्हीं। बिल्कुल, ये चीजें बता रही है कि कैसे चीज जो है लगातार, और ट्रैकमैन का से मुझे लग रहा है कि इसीलिए मिलने का, कि कह रहे ना कि चोरी पकड़ी गई, जब चोरी पकड़ी जाती है तो हाँ सियार जो है, जो शुरुआत में हमने कहा कि सियार रंग बदलता है, और यही खेल एकदम से वो खुल करके सामने आ गया। लगता है वीडियो आपका नहीं नहीं, पढ़ा उसर पढ़ा 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 हुआ है मनीष जी, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। उसको आप जो पिन वाला कई बार ट्वीट है उसके लिए एकदम साफ है वो सुनवाना बड़ा जरूरी है ताकि जरा ये दर्शक इसको समझ लें कि ये कैसे जहर बोने आज पहुंचा था उन ट्रैक मैनों के पास। कि वो कह रहा है कि तुम लोग तो महादलित हो, तुम लोग महादलित हो। और अभी इसका बताऊंगा कि आज जब इसने ये कुकर्म किया उन ट्रैक मैनों को भड़काने का, तो एक बार इसने फिर अपने बाप दादों को कटघरे में खड़ा कर दिया, अपने बाप दादों के पाप गिनाने गया था। मैं तो कहूंगा कि वहां पर इसने जो कुछ भी कहा वो इसके बाप दादों के पाप थे जो ये गिनवा रहा था वहां पर, और उसके बाद क्या फर्क पड़ा है तो अभी बाद में बताता हूँ। तो जरा सोच लीजिए कि ये आदमी इतनी मूर्खता और इतनी धूर्तता पे उतर आया है, ये अपने पाप भी अब वो गिनवा के और बड़ा करके बता रहा है, उन पापों को इस तरह से बता रहा है जैसे उन कर्मचारियों के साथ पाप हो रहा है। मनी जी ये इसका कुकर्म है। यदि आपके पास ऑडियो हो तो सुना दीजिए, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा, आपके उसमें डाउनलोड नहीं आया हुआ है। अच्छा दर्शक जरा सुन लें इसको। आपने कहा कि लोग रनओवर हो जाते हैं, रनओवर कैसे हो जाते हैं, मतलब क्या ट्रेन दिखती नहीं है, क्या कैसे होता है? मुख्य कारण है सर, उसका थकान होना, सही काम करता है, थका रहता है, थका रहता है। फिर उसको बोला जाए कि आपको नाइट पेट्रोलिंग में जाना है, फिर वो पेट्रोलिंग में जाएगा, शिफ्ट अनुसार कोई ड्यूटी नहीं है, तो उसका थका हुआ शरीर कहीं ना कहीं विश्राम मांगेगा, या तो वो विश्राम के लिए बैठता है, नहीं भी बैठता है तो चलता रहता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। और ट्रेनों की सर जो गति है आज की डेट में कम से कम में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही, काम करने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता, ऊपर से हमारे DERXN होते हैं लोगों के ऊपर, यानी चारा शिफ्ट वगैरह देना, नौकरी से हटाना, यानी कि डर का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ट्रैकमैन अपनी आवाज किसी भी सांसद तक नहीं। ये मैं देख रहा था कि मैंने मंत्री से भी कहा जी कि देखिए मुश्किल काम है, डर के माहौल की क्या जरूरत है, आप मतलब प्यार से काम करो, अगर काम कर भी नहीं सकते सुन तो लो कि भैया हम कर नहीं सकते, बात सुन ली, डर डर से टेंशन आता है, फिर गलती होती है, फिर एक्सीडेंट होता है। अच्छा सबसे पहले आप हो कितने इंडिया में, कितने इंडिया का? सर हमारा तो सर 3.5 लाख से ऊपर, और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है जिसमें ज्यादा हावी,
लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम कर रहा है, जिसका काम मेंटेनेंस का, जो पटरी पर काम करने वाले हैं, उन जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, उनका काम भी इनके कंधों पर आन पड़ा है, डबल काम हो रहा है, इनसे डबल काम लिया जा रहा है। रेलवे ने हमारे को प्रमोशन केवल फाइनेंशियल दिया है, डिपार्टमेंटल जो चेंज करते हैं अच्छी पोस्टों के लिए, जैसे स्टेशन मास्टर है, पीटी है, गार्ड है, जिसमें अच्छी और सुविधाएं हैं, वहां हमारे साथियों को प्रमोट कतई नहीं किया जाता। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है। ये सबसे ऊपर ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जाते बना रखी है, उसको नाम, उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया, रेलवे के महादलित। जबकि सर रेलवे में सबसे ज्यादा कैडर हमारा है ट्रैक मेंटेनर का, मगर सबसे ज्यादा शोषित अपमानित हमारे ही, और सेफ्टी आप मेंटेन करते हो, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता सर। तो बहुत खतरनाक प्रयोग है। मतलब अक्सर राहुल ऐसा लगता है जैसे इनके बाप दादाओं ने, कांग्रेस ने इस देश में कभी शासन ही नहीं किया, ये सब ये कुछ एकाएक हुआ। ये मनीष जी जो गया है ये बता रहा है कि ट्रैक मैन को लोको पायलट बना दिया जाए, टीटी बना दिया जाए, गार्ड बना दिया जाए। इस मूर्ख को ये नहीं मालूम जो लोको पायलट होता है वो उसकी एक क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो किस तरह से इम्तिहान देता है, गार्ड की क्वालिफिकेशन क्या होती है, और जो ट्रैक मैन होता है वो क्लास 4 इम्प्लाई होता है, उसको बताकर मनीष जी दिया जाता है नौकरी कराई जाती है। ऐसा नहीं कि उससे कहा जाता तुमको राजा बना देंगे और उसके बाद उसको ट्रैकमैन की नौकरी दी जाती, उसको मालूम होता है। लेकिन ये आदमी जो बोल रहा था मनीष जी, जरा वीडियो में दिख नहीं रहा आपने को, आपको कि मेरा तो एक अनुरोध है, जो रेल मंत्री है, ये आदमी जो इसके साथ बात कर रहा था, ये जो 4-5 हैं, इन सबके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये आगे इस तरह की जहर न फैलाए, और इनको सस्पेंड करके तत्काल, और हो तो इनको बर्खास्त करना चाहिए, इन कर्मचारियों को, जिस तरह की इन्होंने आज ये झूठ बोला है इस राहुल गांधी के साथ मिलकर। तो निश्चित तौर पर मनीष जी इनको भी पैसा दिया गया है, और ये भी ये सेटिंग के साथ ये बात कर रहे हैं इसके साथ, ताकि पूरे देश में ये बात फैले, ये जो झूठ बोल के ये जहर फैलाने गया था, ये कि तुम लोग दलित हो, तुम लोग शोषित हो। जरा गौर करिए वहां दलित का क्या मामला था, कि वहां तो तुम लोग तो महादलित हो। तो रेलवे ने एक सिस्टम बना दिया है, और मैं अब बताता हूं मनीष जी, इसका ये जो बात कर रहा है ये अपने बाप दादों की बात कर रहा है। ये राहुल गांधी 20 साल से संसद में है, ये 2004 से 2024 20 साल इसने संसद में गुजार दिए, और इसको ये नहीं मालूम, ये इसके बाप दादे बना के गए थे सिस्टम, 60-70 साल से यही सिस्टम चल रहा है, और यही सिस्टम लागू है अंग्रेजों के समय से। और अंग्रेजों के समय से नहीं मनीष जी, पूरी दुनिया में जहां कहीं रेलवे का ट्रैक सिस्टम होता है वहां यही होते हैं ट्रैकमैन, यही लोग होते हैं। लेकिन उनको, उन लोगों के खिलाफ उनके मन में कैसी ये आग भड़का रहा है, और अगर वो भड़क गए, उनके मन में कोई बात आ गई, तो मनीष जी जो रेल मंत्री ने कहा था, वो 350 जो दुर्घटनाएं टाली गई थी, वो हर दुर्घटना होगी, क्योंकि सारी सुरक्षा का दारोमदार इन्हीं लोगों पे है, इन्हीं ट्रैकमैन पे है। और क्योंकि ये असफल हो गए पिछले अगस्त में, इनकी सारी योजनाएं असफल हो गई, सब पकड़ लिए गए, तो अब ये उनको सीधे भड़काने पहुंचा है, जात के नाम पे भड़काने पहुंचा है, तुमको प्रमोशन के नाम पे भड़काने पहुंचा है, रेलवे की कंडीशन के नाम पे भड़काने पहुंचा है, कि किसी तरह इनको भड़काओ। अब मेरे ख्याल से वो जो फरतुल्ला गौरी जिसने कहा था कि गाड़ी पलटा दो, हिंदुस्तान में गाड़ियां पलटाओ, तो पाकिस्तान से बैठा आतंकवादी है, तो किसी और ने उसको लिया हो ना लिया हो, इसने जरूर गंभीरता से लिया है, ये सीधे उनके पास पहुंच गया। ये जितनी बातें उनसे कर रहा था, इस आदमी के साथ, ये जो रेलवे का एम्प्लॉय बनके बैठा था, ये सारे नियम कानून सर्विस की शर्तें ये इसके बाप दादे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये उनके समय से चली आ रही हैं। तो ये अपने बाप को कहेगा कि हमारे नेहरू ने पाप किया था ये रेलवे कर्मचारियों के साथ, इंदिरा गांधी ने पाप किया था रेलवे कर्मचारियों के साथ, हमारे बाप राजीव गांधी ने पाप किया था कर्मचारियों के साथ। ये अपने पहले अपने माँ बाप जो वो है दादा दादी, उनके मुंह पर पहले कालिक पोते, उसके बाद आज की बात करें, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने क्या किया ये अभी बताऊंगा, और उसका परिणाम मिला है। लेकिन इसको क्योंकि आग लगानी है, इसको मौत का खेल खेलना है, तो ये किस तरह से भड़का रहा था ये दर्शक इसको समझ लें। और अब बताता हूं कि मनीष जी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, वो जो ट्वीट आप खबरों वाला दिखा रहे थे वो दिखा दीजिए, वो तो दिख रहा है कि वहां पर जरा दर्शक ये समझें कि 2018 में एक रिपोर्ट आई केंद्र के पास कि मार्च 2018 तक उन्होंने बताया कि कम न्यूनतम
हर साल कम से कम 250 ट्रैकमैन जो है उनकी मौत हो जाती है दुर्घटनाओं में। हाँ यही वाली खबर है मनीष जी, कि दो दो खबरें हैं, दर्शक इसको देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और आगे कर रहे हैं। और ये उसमें आग लगाने गया था कि 250 आदमी हर साल, ये इस आंकड़े को जरा समझिए। और ये न्यूनतम था कि कम से कम 250 आदमी हर साल अपनी जान दे देते थे ट्रैकमैन की नौकरी में। और उसके बाद मनीष जी जब 18 में रिपोर्ट आई और प्रधानमंत्री मोदी ने उसके ऊपर जब कार्रवाई की, तो अब जो है वो 250 का आंकड़ा वो घटकर 82 डेथ तक रह गया है, यानी 67% मौतें कम हो चुकी। मैं जरा पढ़ के सुनाई देता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि 2018 के आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल कम से कम 250 ट्रैकमैन अपनी जान गंवा देते थे। ये व्यवस्था राहुल गांधी के बाप दादों की सरकार से चली आ रही थी, लेकिन 14 साल तक राहुल गांधी पता नहीं क्या खा पी कर सोता था। 2018 में मोदी ने इसका संज्ञान लिया और इनको अब इनको जरा 2018 के बाद ये जो ट्रैकमैन थे इनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किए, ये जरा एक समझ लीजिए कि इनको ल्यूमिनस वेस्ट जो आप देखते हैं चमकने वाली वेस्ट इनको पहनाई गई, सेफ्टी हेलमेट, डिटेचेबल माइनर्स लाइट, सेफ्टी शूज, ट्राई कलर एलईडी 3 सेल टॉर्च, स्टडी लाइट वेट बैकपैक, टूल किट बैग, विंटर जैकेट, रेनकोट और सेपरेट वाटर प्रूफ ट्राउजर और स्नो बूट और रक्षक टाइप के प्रोटेक्शन दिए गए। रक्षक टाइप का प्रोटेक्शन हुआ है कि वो आवाज आ जाती है, एक तरह से गाड़ी है तो अपने आप वो बच जाता है, जिसे आप जीपीएस सिस्टम से भी जुड़ा हुआ कह लें कि इनको पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है तो ये अलर्ट हो जाते हैं, ये बच जाते हैं। और उसी का नतीजा है कि जहां 250 आदमी हर साल मरता था, वहां पर अब वो जो आंकड़ा है वो घटकर 82 भी आ चुका है और करीब करीब समझिए ये कम हो खत्म हो जाएगा और 2-4 साल के अंदर। और इसको ये आदमी तमाशा इसने बना दिया और इसने कैसे वहां पर मनीष जी भड़काने पहुंचाए लोगों को, इसको आप दर्शक खुद समझ सकते हैं। जरा वो दोनों खबरें दिखा दीजिए उससे अलग अलग। हाँ ये जो नीचे वाली है मनीष जी, ये बहुत जरूरी है ताकि ये दर्शकों की समझ में आ जाए। ये हाँ देखिए नीचे लिखा है कि इवन नाउ एटलीस्ट तो 250 ट्रैकमैन डाई ऑन ड्यूटी एवरी ईयर, देयर डेथ्स जस्ट हैव ए स्टेटिस्टिक एंड मोर्न ओनली बाय फैमिलीज। और ये खबर है जनवरी 30, 2018 की खबर है, ये जनवरी 30, 2018 की खबर है। अब मनीष जी बगल में दिखा दीजिए कि बगल वाली खबर जो है कि 451 ट्रैक मेंटेनर्स डाइड वाइल कैरिंग आउट रिपेयर्स इन पास्ट 5.5 ईयर्स, यानी 5.5 साल में 435 मौतें हुई हैं, यानी जो 250 मौतें कम से कम थी वो घटकर अब 82 मौतों पर आ गया है आंकड़ा। तो ये किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और उसके लिए जो मैंने बताया कि ये सामान इनको उपलब्ध कराए हैं, आधुनिक उपकरण दिए हैं, लेकिन अब वो इस समय दिख नहीं रहा। इसमें जो वो आदमी नेतागिरी कर रहा है जिसके साथ बैठ के बतिया रहा है, तो उसको कितना पैसा दिया है, क्या बात की है, ये इसकी जांच होनी चाहिए। और उस आदमी के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई कम से कम रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को करना चाहिए, अन्यथा ये इसी तरह घूम घूम के इसका ये एजेंडा है कि कैसे ट्रेनें पलटें। और वो जो 350 पकड़ी जा चुकी हैं और अभी अगस्त में तो हम लोगों ने सब लोगों ने देखा ही टीवी पे, तो वो केवल इन्हीं ट्रैकमैन की वजह से बची हैं और उनको ये भड़काने ये पहुंचा है। तो ये जरा सोचिए कि ये किसी दिन सियाचिन भी जा सकता है कि उन सैनिकों से कहे कि तुम यहाँ -18 डिग्री में क्यों करो, तुम्हारे तो वह कमांडर जो वहां बैठते हैं दिल्ली में बैठते हैं, तो तुम भी यहाँ ये बॉर्डर छोड़ के तुम भी वहां बैठो। ये इस तरह की बातें कर रहा और ये बताता ये सारा पाप जो ट्रैकमैन को आज राहुल गांधी समझा रहा है, ये सारा पाप इसके बाप दादों का शुरू किया हुआ है 1947 से लेकर 2018 और 2024 आज भी जो है तो ये इसके बाप दादों ने बनाया था कि ट्रैकमैन की सर्विस कंडीशन क्या होंगी। ये ट्रैकमैन की सर्विस कंडीशन जवाहरलाल नेहरू के समय में भी थी, इंदिरा गांधी के समय में भी थी, इसके बाप राजीव गांधी के भी समय थी, और इसका जो मनमोहन सिंह है उसके भी समय थी। और ये 20 साल 2004 से 2014 तक जब ये संसद में बैठता था तब क्या इसको मालूम नहीं था 2004 से 2024 ये क्या घास चरने गई थी इसकी बुद्धि, तब इसको क्यों नहीं याद आया ट्रैकमैन। ये बहुत मुझे लग रहा है कि इससे महत्वपूर्ण खबर नहीं हो सकती, ये साफ लग रहा है कि देश में आग लगाने की तैयारी है। ट्रैकमैन चूंकि पूरे देश में फैले और ये ट्रैकमैन को यदि आप प्रोवोक कर दिए तो पूरे देश में आप ट्रेन पलटाएंगे। और आपने बहुत अच्छा कड़ी जोड़ा है कि सियाचिन में जो बर्फ में जो सेना है उससे कह देगा तुम्हारा आर्मी तो दिल्ली में आर्मी चीफ जो है तुम्हारा दिल्ली में मौज कर रहा है,
नरेंद्र मोदी दिल्ली में मौत कर रहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये इतना खतरनाक खेल है, इतना खतरनाक खेल है। और इसीलिए पिछले दिनों हमने कहा कि देखिए ये सब नैरेटिव गढ़ते हैं कि सबको बांट देना चाहिए, खुद के मौज पर चर्चा नहीं करता। और ये खटाखट योजना देखिए कि क्यों इनके लिए चेतने की जरूरत है कि ट्रैकमैन का खेल तो सचमुच बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि भारत की सरकार को इसे गंभीरता से ले, और आपने जो इंडिकेट किया है निश्चित रूप से ये सब एजेंडाबाज होंगे, इनको तय किया गया होगा। और ये जो आज राहुल गए वहां तो निश्चित रूप से पहले से प्लानिंग होगी किससे बात करनी है, ये 15 दिन पहले उन लोगों का चयन किया गया होगा कहां उनसे मिलवाना है और कैसे प्रवोक करके खेल खेलना है। हाँ मैं बता रहा हूँ, उन कर्मचारियों को जरा उनकी चूड़ी कसी जाएंगी, उनकी समझ में आ जाएगा, उनकी समझ में आ जाएगा। और खुद कह रहा है वो जो जो इसके साथ बैठ के बतिया रहा है, जिसको जिसने साल उड़ाई है, जरा गौर करिए मनी जी, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके अच्छी बात याद दिला दी, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो डाला नहीं है, उस वीडियो को देखेंगे। उसको कांग्रेसियों ने बड़े उससे किया है कि जब वो बातचीत करके चलता है राहुल गांधी वहां से, तो 3-4 कर्मचारी उसको साल उड़ाते हैं। तो जो एकदम लाइन पे जाके जब मिलने गया था तो साल वो लेके अपने साथ आए थे, वो जो 4 साल थे वो कहाँ से आए थे? वो जो जो 4 आदमी उसको साल उड़ा रहे हैं, नया साल जैसे नेता का सम्मान किया जाता है, स्वागत किया जाता है, तो वो पहले से सेटिंग थी कि हम आएंगे, तुम ये बोलना, और उस वीडियो को कांग्रेस वायरल करेगी ताकि और जो ट्रैकमैन है वो भड़के, आग लगे और गाड़ियां पलटनी शुरू हो इस देश के अंदर। ये इसका मेन एजेंडा था। अन्यथा आप तो बहुत बढ़िया बात मनी जी आखिर में इस मुद्दे पर कह दी कि निश्चित तौर से पहले से प्लान था, क्योंकि वो उस वीडियो को देखिए तो उसमें बाद में इसको साल पहना रहे हैं, तो वो 10 मिनट में तो साल नहीं आ सकती कहीं से, वो पहले से साल आके रखी हुई थी कि तुम्हारा स्वागत यही लोग ले गए होंगे ना, कांग्रेस पार्टी ऐसे ही होता ही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ले गए होंगे या तुम साहब को ये उड़वा देना, क्योंकि वो कहां से लाएंगी, पूरी प्लान थी। और ये बहुत खतरनाक खेल है, और इसीलिए देश को तमाम खतरनाक खेल समझना चाहिए।